धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत की गई, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान में जो संरक्षण मिले एवं सरकार के किसी हैं उनका अन्वेषण, उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखे और अनुसूचित जातियों उनके अधिकारों से वंचित करने की बाबत शिकायतों की जांच करे एवं संबंधित विभागों को इस संबंध में कार्रवाई करने की सलाह व निर्देश दे। लेकिन देखने में यह आया है कि जब अनुसूचित जाति से संबंधित सरकारी कर्मचारी व अधिकारी जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है या उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, और जब ये लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत करते हैं तब विभाग के द्वारा इन्हें परेशान व प्रताड़ित किया जाता है और तरह तरह के झूठे मामलों में फंसाया जाता है और नौकरी के तहत निकालने की कार्रवाई की जाती है, ऐसी अनेकों शिकायतें आ रही हैं। अतः मेरी सरकार से मांग है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ढांचा व अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के समान बनाने पर विचार करे, ताकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक शक्तिशाली संगठन बने एवं अनुसूचित जाति के सताए हुए लोगों को एक समयबद्ध सीमा में न्याय मिले। धन्यवाद श्री।